हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ हमारी हिस्टोरिकल हुआंगशन माय हेजन कॉन्सर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा जो वांग जी है और जो विभीषण है, उनकी काफ़ी अच्छी नाइट जाती है। और वांग जी ने प्रॉमिस किया होता है कि उनकी सुहागरात के बाद विभीषण को अपने चेहरे पे पर्दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे वेल पहनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा शीचिंग होते हैं, यानी कि लन शिचन और हमारा जंगचा, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा हॉट रोमांटिक स्पाइसी सी नाइट जो है वो बीती होती है। और दोनों जो हमारे बॉटम होते हैं ना, जो हमारे ओमेगास होते हैं, उनकी कमर की तो बैंड बजा रही थी इन लायन ब्रदर्स ने, क्योंकि इन्होंने सारी रात उन लोगों को जगाए रखा था। और सुबह तक इनकी चीखें जो थी ना, इन लोगों के रूम से बाहर तक आ रही थी, बिकॉज इन्होंने मॉर्निंग तक इन लोगों को सोने नहीं दिया था। इन्होंने अपनी पूरी, मतलब होता है ना, पूरी टाइम की अपने एडल्टहुड की फ्रस्ट्रेशन और रोमांस और सब चीज़ जो है अपने ओमेगास पे निकाल दी थी। और इन लोगों ने जम के अपना जो है रोमांस सेशन किया होता है। नॉट इवन, ऐसा नहीं है कि ओमेगास ने उसे एंजॉय नहीं किया, ओमेगास पे वो कोई फोर्सफुल नहीं था, उन्होंने सारे सेशन को फुल एंजॉय किया था। उनकी भी जो मतलब अभी तक हीट थी जो वो सरपास कर रहे थे सिर्फ मेडिसिन के नाम पे, उन्होंने सारे मज़े लिए अपनी पूरी रात इतनी अच्छे से, ताबड़तोड़ पलंग तोड़ तरीके से बिताई होती है। देन उसके बाद अगले दिन उनके अंदर जान नहीं होती। और जो इम्पीरियल होते हैं वहाँ का, इम्पीरियल घरानों का एक रिवाज होता है कि अगले दिन आपको जो है वो एम्परर और एम्प्रेस को जाकर बो करना है, रिस्पेक्ट पे करनी है। तो सबसे पहले तो जो बारी आती है वो हमारे चिवचन और जंगछा की आती है। जंगछा बेचारा जैसे तैसे सुबह उठता है, जो हमारे लेंशन होते हैं उसके लिए बात तैयार करवाते हैं ताकि वो अच्छे से हर्बल बात ले सके। यहाँ पर जो हेंगुन जुन होते हैं वो भी बीइंग के लिए बात तैयार करवाते हैं ताकि वो लोग हर्बल जड़ी बूटियों का और एक स्पिरिचुअल बात लें। उन दोनों ओमेगास के लिए एक स्पिरिचुअल बात होता है ताकि उनकी जो एनर्जी होती है वो रिगेन हो, उनकी बॉडी जो है वो जो पेन कर रही है बुरी तरह से वो ना करे। बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है ना, काफ़ी एनर्जी जो है बंदे की रियल लाइफ में भी यूज़ होती है, और यहाँ पे भी उनकी काफ़ी एनर्जी जो थी वो डाउन हो गई थी। तो वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन करने के लिए उस रिलैक्सिंग बात को लेते हैं। लंजा और विभूषण एक साथ एक बात को लेते हैं। यहाँ पे जंगछा जो है वो जिवजुन को मना कर देता है, तुम बिल्कुल मत आना, तुमने कल रात मेरी बहुत कमर तोड़ी है, अब हम साथ जो है बात नहीं लेंगे। तो वो बेचारे अलग अलग बात लेते हैं। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये ग्रैंड इम्पीरियल में जाते हैं जहाँ पर एम्परर जो है थ्रोन पे बैठा होता है और एम्प्रेस साइड में होती है, और वहाँ पर टी सर्व हो रहा होता है। तब शिजन जो वो हमारा जंगछा है वो शिचेन के साथ जाता है जो कि क्राउन प्रिंस होता है, और वो अपनी मदर फादर को बो करते हैं। वहाँ पर शिचेन जो है जो किंग होता है, एम्परर होता है उसके लिए, और जो एम्प्रेस होती है उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाता है। जेड बनी हुई एक किंग के लिए तो वो लेके जाता है सुरई, जिसमें से जो गोल्ड की सुरई होती है, और जेड पिंस जो होती हैं गोल्ड जड़ी हुई वो लेके जाता है वो जो हमारी एम्प्रेस होती है उनके लिए। और जैसे ही जो हमारी मैडम लैन जो कि एम्प्रेस है वो देखती हैं, और जिनके जन जो जब उन्हें देखते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं, और वो कहते हैं कि सौभाग्यवती, मतलब सौभाग्यवती रहो और जल्द से हमारे लैन क्लैन को बहुत सारे बेबीज दे दो। फिर एंट्री होती है हेंगुन जुन और हमारे विभूषण की। विभूषण की कमर और जंगछा की कमर अभी भी दर्द हो रही थी, तो उनके पार्टनर ही उन्हें उठाने में हेल्प करते हैं। क्या विभूषण जैसे ही आता है उसकी खूबसूरती को देख के सारे मेस्मराइज हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बिकॉज इतना खूबसूरत बंदा उन्होंने जेन्युइनली अभी तक देखा नहीं था। और विभूषण की खूबसूरती के चर्चे तो मतलब बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो बहुत इंप्रेस होते हैं वो। विभूषण उन्हें अटेंशन देता है। फिर उसके बाद विभूषण जो है उन लोगों के लिए हैंडमेड, अपने हाथों से उसने जेड और गोल्ड और कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें यूज़ करके चीज़ें बनाई होती हैं, जिसमें से वो एम्परर को एक लॉकेट देता है, और जो एम्प्रेस होती है ना उसे हेयर पिन में एक ऐसी हेयर पिन देता है जो कि वो हर टाइम पहन सकती थी, जो दिखने में ब्यूटीफुल भी थी, नॉर्मल भी थी, मतलब बहुत ब्यूटीफुली नॉर्मल थी, और वो कभी भी कैरी कर सकती है, किसी का डाउट नहीं जाएगा। मैडम लैन जो है वो बहुत खुश होती हैं। वो पहले अपनी एम्प्रेस वाली सीट पे बैठी होती हैं, फिर उसके बाद वो अपनी दोनों जो बेटों की जो स्पाउस हैं, जो हस्बैंड्स हैं, उनसे मिलने आती हैं, और वो जंगछा और विंग को देख के काफ़ी खुश होते हैं, और वो कहते हैं आज से ये लोग भी मेरे बेटे के समान हैं, और आज से मैं इन लोगों का बहुत ख्याल रखूंगी। तो विंग जो है वो उनके कंधे पे सर रख के कहता है, मदर
मुझे लास्ट नाइट मेरे हस्बैंड ने बहुत बुली किया और जंक्शा भी कहता है बिल्कुल आपके बच्चे तो बिल्कुल बीस्ट हैं। तभी मदर जो है उन्हें देखने लगती है और कहती है हर लैन ऐसा ही होता है। तुम्हें क्या मैं बताऊँ, मेरे से अब भी सेम सिचुएशन थी जब मैं शादी करके आई थी। तो वो दोनों हंसने लगते हैं ओमेगा ब्रदर्स और वो कहते हैं मदर फिर भी आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए, इन्हें हम पे मर्सी करनी चाहिए। तो उनकी मदर अपने अपने बेटों के चेहरे पे देखने लगती है और कहती हैं क्राउन प्रिंस लेन शिचेन वांगची तुम लोगों ने लगता है हमारे ओमेगा जो सन इन लॉज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग किया है। अब अगर तुम लोगों ने इन्हें इतना ज़्यादा बुली किया ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पर एम्परर हंसते हंसते कहते हैं क्यों डांट रही हो हमारे बच्चों को। चिंगेजुन कहते हैं कि तुम्हें पता ही है लेंस जो हैं हम लेंस वो बेड में कितने ज़्यादा रफ हो जाते हैं, स्पेशली जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे लेकर बहुत पैशनेट भी होते हैं। और वैसे भी ये तो अभी फर्स्ट नाइट थी, फर्स्ट नाइट वैसे भी थोड़ी पेनफुल होती है, आई मीन समझ सकती हो तुम, बाद में इन ओमेगास को आदत हो जाएगी। तभी इनोसेंटली व्यूविशन कहता है नहीं लंजा बहुत ज़्यादा रफ था और वो मुझे कह रहा था कि अगर हम ऐसे ही करेंगे तो जल्दी बेबी आ जाएगा। तभी जंक्शा कहता है मुझे भी जेवजू ने यही कहा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो लैनहायर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो वो सारे हंसने लगते हैं और कहते हैं वाह मतलब हम दादा दादी बहुत जल्दी बनने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम लैन आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। तभी वो चिंगेजुन को देख के कहती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इन ओमेगास की हालत भी खस्ता कर दी है, वो तो बहुत अच्छा हो जो मैंने आज सुबह इन्हें स्पिरिचुअल बात के लिए जो है तैयारी करवाई हुई थी, वरना मुझे नहीं लगता ये लोग अभी यहाँ खड़े भी हो पाते। तभी विंग कहता है हाँ मेरी बॉडी में बहुत पेन था। जंक्शा कहता है मेरी में भी और सच बताऊँ ना तो मुझे सोने भी नहीं दिया, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी मैडम लैन कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे स्पिरिचुअल फ्रूट्स भेजूंगी, तुम लोग उन्हें खाना तुम्हारी एनर्जी वापस रिगेन हो जाएगी। और वैसे भी अब से तो सारी चीज़ें डेली नाइट एक्टिविटी ही होने वाली है। तभी विंग और जंक्शा एक दूसरे की शक्ल पर देखते हैं और कहते हैं डेली नाइट एक्टिविटी, वो कहते हैं हाँ क्योंकि शादी के बाद ये जो भी हुआ है वो हर रोज़ होता है। तो विंग जो है उसका चेहरा हॉरेबल हो जाता है और जंक्शा का भी, और वो कहते हैं नहीं मतलब हमें तो लगा था ये सुहाग्रत पे होता है और फिर बेबी हो जाएगा। तभी मैडम लैन कहती हैं अरे बुद्धू ऐसा नहीं होता, अब तुम्हारे हस्बैंड्स जब भी चाहें इवन डेली नाइट भी नहीं डे में मॉर्निंग में जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। तो वो लोग शर्माने लगते हैं और कहते हैं नो। तभी लेन शिचेन के हाथ में वो जंक्शा का हाथ देते हुए कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी इनोसेंट है, और वो लवांगची के हाथ में वी विशन का हाथ देते हुए कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड तो और ज़्यादा इनोसेंट है, इन दोनों की मासूमियत को कुछ नहीं होना चाहिए, खबरदार जो तुमने मेरे सन इन लॉज को दुखी किया, याद रखना मैं छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी बहुत जल्द यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन होने वाले हैं तो हम लैन घराने के ओमेगास उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फर्स्ट प्राइज लाएंगे, देखना हमारे लैन घराने से ही इस बार सब जीतेंगे। कंपटीशन के बारे में सुन के चंचा और विविजन काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्चुअली वो कंपटीशन जिस तरह का सोच रहे थे वो नहीं था, ये कंपटीशन था घुड़सवारी का कि ये लोग कैसे कैसे घुड़सवारी कर सकते हैं यानी, और घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी का, और तो और यहाँ पर स्वर्ड फाइटिंग का भी एक कंपटीशन होने वाला था जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता था, और ये कॉम्पिटिशन अक्सर 4-5 सालों में एक बार हुआ करता था और जो बेस्ट वाइफ हुआ करती थी उसे काफ़ी सारे प्राइस मिला करते थे। तो ये देखना चाहते थे कि ये किस सेक्ट से बेस्ट वाइफ या फिर बेस्ट बहू होने का यानी कि डॉटर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ बेस्ट ओमेगा हस्बैंड होने का खिताब किसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैडम लैन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और चिंगेजुन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो लोग विविशान और जंक्शा को कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे यहाँ की लाज ज़रूर रखनी है हमारे सेक्ट की, क्योंकि अब तुम जियांग सेक्ट को नहीं बल्कि तुम उसके साथ साथ लेन सेक्ट को भी रिप्रेजेंट करोगे, पर मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई भी तुम्हें तकलीफ हो, और मैं चाहती हूँ तुम्हें ये सारी ट्रेनिंग पर्सनली मेरे दोनों बेटे दें, यानी कि जंक्शा को क्राउन प्रिंस हमारा लेन शिचेन और वांगची हमारे विभूषण को ये ट्रेनिंग दें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हम किसी से भी पीछे रह जाएँ या कहीं भी हम हार जाएँ। विभूषण काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद होती है, और जंक्शा को भी जियांग का जो कबीला था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था अपनी तीरंदाजी के लिए, तो वो तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन हॉर्स राइडिंग के साथ साथ उन्हें जो है अपने निशाने को भी भेदना था, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव था और थोड़ा सा ट्रिकी भी, जिसके लिए उन्हें ये दोनों जो है तैयार करने वाले थे।
जो लेंस का जो फाइटिंग स्टाइल था और जो स्वॉर्डमैनशिप थी, तलवारबाजी थी, वो बहुत डिफरेंट थी, और जो जियांग सेक्ट की थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। तो जो हमारे विभूषण होता है, वो भी मैडम लेंस से कहता है कि वो लेंस सेक्ट की जिस तरह की फाइटिंग टेक्निक्स है वो सीखना चाहेंगे। तो कहते हैं बिल्कुल, आप जिस तरह का भी सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों के हस्बैंड ही तुम्हें वो सारी चीज़ें सिखाएं, लेकिन तुम्हें मॉनिटर तुम्हारे अंकल लंच रन करेंगे। वो लंच रन के सामने भी वो करते हैं और लंच रन कहते हैं बिल्कुल, मैं अपने सेक्ट का नाम डूबने नहीं दे सकता, इसलिए आप सबको वो सारी चीज़ें ज़रूर करनी होगी। तभी विभूषण जो है वो हैप्पीली यहाँ से निकलता है और वो सारे बो करते हैं और इंपीरियर हॉल को छोड़ के वो अपने अपने चैम्बर्स की तरफ परस्यू करते हैं। तभी रास्ते में जाते जाते विभूषण सिंह से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो आज, तुम क्या करोगे? तभी जयवर्धन और लवंगची कहते हैं, हमें कुछ काम के लिए बाहर जाना होगा, तब तक तुम एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे को, तुम यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो। वो लैंड शुशी को उनके लिए अपॉइंट करता है जो उन्हें आसपास सारी जगह घुमा सके। यहाँ पर एक पर्सनल लैंड गार्ड जो था वो उन्होंने विभूषण को दिया हुआ था, एक पर्सनल लैंड गार्ड जो था वो उन लोगों ने जो कि भीटा थे उन्होंने एक हमारे क्राउन प्रिंस के हस्बैंड जंगजा को दिया होता है, और तो और उन्हें दो ओमेगा ऐसे बंदे दिए होते हैं और दो बीटा सर्वेंट, दो ओमेगा सर्वेंट दिए होते हैं जो कि उनके नहाने, बाल बाल बांधने, खाने पीने का ध्यान रख सकें। लेने इम्पीरियर किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है जब जो हमारा विभूषण होता है इसके पास से निकल रहा होता है, और वो कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो कहते हैं आपको जो खाना है आप बता दीजिए, हम आपके लिए ले आएंगे। विभूषण कहता है मुझे कुछ स्पाइसी पसंद है। तो तभी के तभी जो उनके ओमेगा सर्वेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं यहाँ पे स्पाइसी फूड इतना ज़्यादा नहीं बनता। विभूषण कहता है क्या मैं किचन में जाके खाना बना सकता हूँ? वो कहते हैं आपको रुकेगा कोई नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा? तो जंगचा कहता है ये क्या डिसरिस्पेक्टफुल होगा, अगर आप लोग स्पाइसी फूड नहीं खा सकते और बनाते नहीं हैं तो एटलीस्ट हम तो उसमें अच्छा सा तड़का लगा के बना सकते हैं ना। वो कहते हैं आज आपका पहला दिन है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग हमें बता दीजिए हम आपके लिए बना देंगे। विंग जो है वो स्माइल करता है और कहता है डोंट वरी, मैं चाहता हूँ कि आज जो हम खाने के लिए बनाएं वो आप लोग दिन में मदर फादर को पेश करें और उन्हें भी पता चले कि उनके जो ये ओमेगा सन लॉ है वो किसी से कम नहीं है। तो विंग एक प्यारी सी स्माइल देता है और जंगचा और वो किचन को ज्वाइन करते हैं। वो काफ़ी सारे फूड बनाते हैं जो कि कुछ तो माइल्ड फ्लेवर में होते हैं और कुछ होते हैं टैंगी फ्लेवर में जिसमें मीठा और खट्टा दोनों का टेस्ट होता है, और कुछ होते हैं स्पाइसी फूड। वो लोग माइल्ड इसलिए बनाते हैं ताकि माइल्ड और स्पाइसी का कॉम्बिनेशन हो जाए, और टैंगी इसलिए कि जिसे ना ही माइल्ड पसंद हो और जिसे ना ही स्पाइसी फूड पसंद हो उसे टैंगी यानी कि खट्टा मीठा टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। और वी विजन जो है वहाँ पे उसके साथ साथ एक मिर्ची फ्राई करके भी उन्हें खाने के लिए देता है। वो काफ़ी चीज़ें बनाता है जो कि बहुत डिलीशियस थी, जिन्हें देख के ही मुँह में पानी आ जाए। और वो सारी वेज चीज़ें बनाता है क्योंकि लवंगची ने उसे बता दिया था कि यहाँ पे सिर्फ वेज चलता है। तो वो चटपटा आलू भरमा बनाता है, पनीर से पनीर स्टफ्ड, वो जो है बैंगन और करेले बनाता है, और काफ़ी बहुत ही टेस्टी खाना वो बनाकर इम्पीरियल मदर, इम्पीरियल फादर और शिफो के लिए भिजवाते हैं, और वो लवंगची और हेंगुनजुन के लिए भी भिजवाते हैं, और वो खुद भी दोनों भाई बैठ के खाते हैं। और उसके बाद वो लोग चेस खेलने जाते हैं। उनका ये पहला दिन गुसू लैंसेक्ट में काफ़ी अच्छा गया था, उन्हें नहीं पता था उन्हें इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। लेंसेक्ट के बंदे काफ़ी अटैच, काफ़ी अच्छे खुले मिजाज के थे, पर वो अपने रूल्स को लेके बहुत पक्के होते हैं और वो अपने रूल्स को बहुत दिल से फॉलो करते हैं। विंग और जंगचा के लिए थोड़ा रूल्स फॉलो करना डिफ़िकल्ट था। फिर उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि वो बाद में गार्डन में जाएंगे। वो गार्डन में जाते हैं जहाँ पे बहुत ही डिलीशियस से फ्रूट लगे होते हैं। अचानक से विंग का दिल कराता है कि उसे वो फ्रूट खाना है। वो अक्सर पेड़ पे चढ़ने में बहुत तेज़ हुआ करता था, वो पेड़ पे चढ़ता है और उस फ्रूट को तोड़ता है और वहीं बैठ के खाता है। तभी उसके सर्वेंट कहते हैं आप जो है इम्पीरियल प्रिंस के हस्बैंड हैं, आपको इस तरह से पेड़ पे चढ़ना शोभा नहीं देता। तो वो कहता है बोरिंग लाइफ में कोई फ़न नहीं, मुझे यहाँ फ़न करने दो, वरना आपको पता है ना क्राउन प्रिंस जो है वो जंगचा के हस्बैंड है और मेरे जो हस्बैंड है वो सेकंड प्रिंस है। अगर आप लोगों ने फिर से मुझे क्लैन रूल, क्लैन ये, क्लैन वो अगर बोला ना, देख लो मैं आप लोगों को छुट्टी नहीं देने दूंगा। आप लोगों को महीने में एक छुट्टी मिलती है ना, मैं वो डिसमिस करवा दूंगा। और अगर आप मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, पोलाइट रहेंगे और बार बार क्लैन का उल्हाना नहीं देंगे तो मैं आपको मंथ में 4 छुट्टी दिलवाऊंगा। 4 छुट्टी के लालच में वो सबको
मतलब वो चाह रहा था वो सबको करप्ट कर दे, लेकिन ये लेन सेट था इतनी इजीली वो इसकी करप्शन में आने वाला नहीं था। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वोट का बटन है ना, लाइक का बटन है, वो प्रेस कर दें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा हॉट एंड स्पाइसी होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, और ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी होगी। तो तब तक के लिए मुझसे कनेक्टेड रहें, बाय बाय।